नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड NDLS दिल्ली का मुख्य रेलवे स्टेशन है। प्लेटफार्म एक पहाड़ नंज में स्थित है और प्लेटफार्म 16 अजमेरी गेट की तरफ खुलता है। यह स्टेशन मध्य दिल्ली में कन्नौट प्लेस के उत्तर में लगभग 2 किलोमीटर 1.2 मील की दूरी पर है। यह ट्रेन आवृत्ति और यात्रियों की आवाजाही के मामले में देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। 16 प्लेटफॉर्म लगभग 235 ट्रेनों को पूरा करते हैं जो प्रतिदिन स्टेशन से शुरू समाप्तियां गुजरती हैं। अलग अलग अध्ययनों और वर्ष की अवधि के अनुसार दैनिक फुटफॉल और यात्रियों के संचालन का अनुमान अलग अलग होता है। औसत दैनिक यात्री अंतर्वाह और बहिर्वाह लगभग 2.13 लाख है। अन्य अनुमानों के अनुसार दैनिक यात्रियों की संख्या लगभग 5 लाख है जो त्योहारी सीजन के दौरान 6 लाख तक पहुंच सकती है। कूर्ची थलाइवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जिसे आमतौर पर चेन्नई सेंट्रल स्टेशन कोड मस के नाम से जाना जाता है, चेन्नई तमिलनाडु भारत का मुख्य रेलवे टर्मिनस है। यह दक्षिण भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और देश के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। लगभग 5,50,000 यात्री हर दिन टर्मिनस का उपयोग करते हैं, जिससे यह दक्षिण भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन बन जाता है। चेन्नई एगमोर और कोयम्बटूर जंक्शन के साथ सेंट्रल टर्मिनस दक्षिणी रेलवे के सबसे लाभदायक स्टेशनों में से एक है। पूरे परिसर में लंबी दूरी की ट्रेनों को संभालने के लिए 17 प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें 5 प्लेटफॉर्म विशेष रूप से उपनगरीय ट्रेनों के लिए हैं। स्टेशन की कुल लंबाई लगभग 950 मीटर है। मुख्य भवन में 12 प्लेटफॉर्म हैं और लंबी दूरी की ट्रेनों को संभालती है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आधिकारिक तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसे आमतौर पर पूर्व नाम विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, बॉम्बे स्टेशन कोड CSMT एक ऐतिहासिक रेलवे टर्मिनस है और मुंबई महाराष्ट्र भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। CSMT में कुल 18 प्लेटफॉर्म है। 7 प्लेटफॉर्म उपनगरीय MU ट्रेनों के लिए है और 11 प्लेटफॉर्म 8 से प्लेटफॉर्म 18 लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए है। राजधानी दुरंतो गरीब रथ और तेजस एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 18 से निकलते हैं। 16 अप्रैल को CSMT में वातानुकूलित शयनगृह का उद्घाटन किया गया था 2013। सुविधा में पुरुषों के लिए 58 और महिलाओं के लिए 20 बिस्तर हैं। सियालदह कोलकाता शहर की सेवा करने वाले भारत के प्रमुख रेलवे टर्मिनलों में से एक है। सियालदह रेलवे स्टेशन कोलकाता का एक महत्वपूर्ण उपनगरीय स्टेशन है। सियालदह स्टेशन में 21 प्लेटफॉर्म हैं, जो दो टर्मिनलों उत्तरी टर्मिनल और दक्षिणी टर्मिनल में विभाजित हैं। कोलकाता महानगरीय क्षेत्र में अन्य मुख्य रेलवे स्टेशन हावड़ा शालीमार कोलकाता और संतरागाछी हैं। सियालदह रेलवे स्टेशन दैनिक यात्रियों की संख्या के मामले में भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। सियालदह में प्रतिदिन 1.2 मिलियन से अधिक यात्री आते हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपनगरीय रेल टर्मिनल है। कोलकाता मेट्रो लाइन 2 नए सियालदह स्टेशन के साथ सियालदह से होकर गुजरती है। हावड़ा रेलवे स्टेशन, जिसे हावड़ा जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर में स्थित एक रेलवे स्टेशन है। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मौजूदा रेलवे परिसर है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। लगभग 600 यात्री ट्रेनें प्रत्येक दिन स्टेशन से गुजरती हैं। इसके 24 प्लेटफार्मों का उपयोग करती हैं और प्रतिदिन 10 लाख से अधिक यात्रियों की सेवा करती हैं। लगभग 450 उपनगरीय लोकल ट्रेनें हैं, जबकि 107 कोचिंग ट्रेनें हैं, जिनमें से 9 24 से अधिक कोच वाली ट्रेनें हैं। 24 प्लेटफार्मों में से 10 इतने लंबे हैं कि 24 से अधिक डिब्बों वाली ट्रेनों की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं।
माल और पार्सल ट्रेनें भी यहीं से शुरू और समाप्त होती हैं।